अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कंडेंस मिल्क, जो कि बहुत ही आसान है। आप घर में बहुत ही आसानी से इसको सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए हमें एक कप चीनी, और दो कप दूध। जितनी भी आप चीनी लेंगे उसके हिसाब से आप डबल दूध डालेंगे उसके अंदर। ये हमने डाल दिया, बस अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। अब हम चूल्हा जला देंगे, जो कि मीडियम फ्लेम पे होगा, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना। जी अच्छा, अब इसको हम तकरीबन आधा कप पकने देंगे। इसको अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जब ये आधा कप ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम इसको अटेंड करेंगे। जी अभी आप देख लें, इसका कलर थोड़ा ऑफ वाइट जैसा हो गया है। इसका आधा कप दूध ख़त्म हो गया है, तकरीबन डेढ़ कप दूध रह गया है और चीनी। अब हमें इस इतना लिक्विड ही है ये, इस वक्त हमें इसको नहीं छोड़ना, हमें हल्का हल्का चम्मच इसका हिलाते रहना है। आप कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, बस दूध फुल फैट होना चाहिए, किसी भी ब्रांड का हो या इवन फ्रेश मिल्क भी, बस फुल फैट मिल्क हो। हाँ जी, अब तेज बॉयल आना शुरू हो गया, इसको अटेंड करते रहें। जी बस एक मिनट इसको और पकाना है और ये बिल्कुल रेडी होने वाला है। हमें इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा सा सेटल होके गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा, मैं आपको दिखाऊंगी किस शेप में रखना है इसको, उस तरीके से आपने उसको थोड़ा सा रनिंग सा रखना है, लिक्विडी सा। ये देखिए अभी इसकी शेप ऐसी आ रही है, बस 30 सेकेंड और इंशाल्लाह हमारा कंडेंस मिल्क रेडी है। जी अब हो गया हमारा कंडेंस मिल्क रेडी, मैंने आंच बंद कर दिया, साइडें साफ कर लेंगे। ये देखिए इस शेप में है, बहुत गाढ़ा नहीं है, क्योंकि ठंडा होने के बाद एक खुद ही सेटल हो जाएगा। ये देखिए हमारा कंडेंस मिल्क रेडी है, मैंने इसको 10 से 15 मिनट रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल होने छोड़ दिया। इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त सेटल हो गया है ये। बहुत ही ज़बरदस्त, घर में आराम से बनने वाला कंडेंस मिल्क रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें न्यू रेसिपीज़ जो जो आपको चाहिए वो बताएं, इंशाल्लाह हम वो भी बनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।